नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको एक नई रेसिपी बताने जा रही हूँ जो कि अंडा शोशे छाल है। इसके लिए मैंने 3 बॉयल एग्स लिए हैं, करीब एक चम्मच स्पून लिया है मैंने सरसों पाउडर जो कि मार्केट में मिलता है, और नमक, हल्दी और शुगर, टमाटर एक छोटा, 2 हरी मिर्च, हरी मिर्च का मैं पेस्ट बना लूँगी। रेसिपी को शुरू करने के लिए सबसे पहले मैं ये जो नमक है निकाल के रखा है मैंने, जितना नमक मुझे डालना है वो नमक मैं अभी डाल दूंगी, हल्दी भी डाल दूंगी और एक पेस्ट बना लूंगी इसका। बाकी का जो थोड़ा नमक और हल्दी बचा है इसको मैं अंडे के संग मिक्स कर दूंगी। इस मसाले को 15-20 मिनट के लिए पानी के साथ घोल के ढक के रख देंगे, उसके बाद सारा रेसिपी शुरू करेंगे बनाना। हेलो दोस्तों, देखिए मैंने सरसों का तेल डाल लिया है करीब 2 बड़े चम्मच, और मैं आपको दिखाना भूल गई थी काला जीरा, इसको तड़के में डालेंगे और संग में हरी मिर्च भी डाल देंगे। इसको थोड़ा जीरा लगा के डालिएगा नहीं तो फटेगा। देखिए दोस्तों, अंडे को बीच में थोड़ा जीरा लगा लेंगे जिससे अंदर ग्रेवी जा पाए। अंडे को थोड़ा सा फ्राई करेंगे, इसी तेल में डाल देंगे। और अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी जो मैंने काट के रखे हुए थे। टमाटर के साथ इसको थोड़ा फ्राई करेंगे। और देखिए दोस्तों, मैंने 15 मिनट के लिए इसको भिगा के रख दिया था तो ये फूल गया है, प्रोसेस पूरा हो चुका है। अब मैंने एक मिर्च इसमें, हरी मिर्च इसमें कूट के रखी है, इसमें थोड़ा पानी मिलाएंगे और जितनी ग्रेवी बनाना है हमें इसी में घोल लेंगे। इसमें बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं पड़ती है इसीलिए करीब 1 कप मैं इसमें पानी डाल देंगे। अच्छे से मिला लीजिए इसको। अब हम लोग इसी में इस ग्रेवी को जो मैंने घोल बना के रखा है डाल देंगे। करीब 1/2 छोटा चम्मच चीनी रखा है, आप चाहे तो नहीं भी डाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा बॉईल करेंगे सीम आंच पर, और उतारने से पहले इसमें थोड़ा सरसों का तेल ऊपर से कच्चा डालेंगे तो उसकी फ्लेवर अच्छी आएगी, और नहीं भी डालेंगे तो कोई बात नहीं। देखिए दोस्तों, मैंने 1 मिनट के लिए पका लिया है। ग्रेवी इसकी बहुत गाढ़ी नहीं होगी, ऐसी ही होगी ग्रेवी, इसको चावल के संग खाते हैं। अब इसको सर्व कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, रेसिपी बन के तैयार हो गई है, ज़्यादा टाइम नहीं लगा है इसमें, तो आप सब इसको बनाइए और चावल के संग इसको खाइए। इसमें चाहे तो आप इसमें थोड़ा सरसों का तेल ऊपर से ड्रॉप थोड़े डाल सकते हैं, फ्लेवर अच्छा लगेगा। और प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच।